उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज अजमेर कलेक्ट्रेट सभागार में रिसिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के संबंध में आयोजित होने वाले जिला समिति की तैयारियों SDRF के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रस्तावित कार्यों बजट घोषणाओं के तहत किए जाने वाले कार्यों के लिए भूमि आवंटन अति विशिष्ट और अन्य संबंधित विषयों पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बैठक में समिति की तैयारी के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा के साथ ही संबंधित अधिकारियों को सभी योजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वित सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया। बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भगीरथ चौधरी जी, देव नारायण बोर्ड के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश बड़ाना जी, नसीराबाद से भाजपा विधायक श्री रामस्वरूप लांबा जी, मसूदा विधायक श्री वीरेंद्र सिंह जी, जिला कलेक्ट्रेट और अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। जयपुर से शत्रुंजय सिंह की खास रिपोर्ट। अभी मैंने शिक्षा बैठक और जितने काम हमारे बजट में है अभी तक क्या क्या हुआ, क्या अपडेट के बारे में जानकारी और राजस्थान में उसकी भी क्या तैयारी की है जिले लेवल पर उसके बारे में भी चर्चा हुई और जिस तरह से इस बार इतनी भारी वर्षा हुई उसमें भी जो अतिवृष्टि हुई है, तड़ावा हुआ है उसके बारे में भी ये तुरंत ही जो भी खराबी हुई है उसको स्टेट लेवल में भेजे, जयपुर भेजे ताकि हम वहाँ से भी ये काम जल्दी से शुरू करें और जहाँ भी जो कार्य करना है चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो फसल खराबे की बात हो, बिल्डिंग्स की बात है, सब पे कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू करें। राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर की भी जिला स्तरीय जो बैठक हुई, जिला स्तरीय 2 दिन इन्होंने निर्धारित किए हैं, उस समय ये ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को बुलाएंगे क्योंकि यहाँ पर जैसे IT पार्क की घोषणा हुई है, यहाँ पर माइनिंग की भी बहुत संभावनाएं हैं, मार्बल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, टूरिज्म भी काफी बड़ा है, स्पिरिचुअल टूरिज्म भी है, पूरे जिले में बहुत सारी संभावनाएं, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों को इन्वाइट करने वाले हैं, इंडस्ट्रीज को इन्वाइट करने वाले हैं यहाँ पर जिले लेवल पर, तो आके यहाँ पर इन्वेस्ट करें, अपना यहाँ पर इंडस्ट्री स्थापित करें। मैम आप अजमेर की प्रभारी हैं, लो आपने बारिश को अभी देखा होगा, बहुत भारी बारिश हुई, अजमेर का ड्रेनेज सिस्टम बहुत बिगड़ा हुआ है, जगह जगह मैम कई लोगों को घरों में ही कैद रहना पड़ा। एक पूरा मास्टर प्लान ड्रेनेज था, सभी शहरों का बनाना जरूरी है, उसमें तो हमारे DH मंत्री कर्रा जी जो उन्होंने जयपुर में बैठक ली है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हर शहर का ड्रेनेज प्लान बने, दो एक मास्टर ड्रेनेज प्लान बने, उस पर भी काम करें, क्योंकि अभी ये ड्रेनेज वैसे ज्यादातर कहीं भी है नहीं, और इसमें मैंने माननीय मंत्री ने कहा दिल्ली के लेवल पर वो कोशिश करेंगे, हम योजना में भी इनको शामिल किया, SDRF मैंने बताया, SDRF है, NDRF है, इसमें हमारे प्रस्ताव जाए जल्द से जल्द, इसलिए मैंने कलेक्टर साहब और अजमेर स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है, उसके बाद भी बारिश के दौरान और अभी जो अतिवृष्टि हुई उसमें हालात जो है बद से बदतर हो गए, उसको लेकर भी आपने आज मीटिंग के दौरान बिल्कुल अभी मैं दोबारा बोलूंगी, रिपीट करूंगी फिर अपने आप कि इसकी पूरी बैठक हमने ली, समीक्षा ली थी, इसमें आगे जो भी चाहे SDRF हो, NDRF, इसमें जो भी प्रस्ताव जा रहे हैं तुरंत जाए, और जो ये जो सड़कें बनी थी ये अनफॉर्चुनेटली उस समय की बनी हुई है जब हमारी सरकार ने बहुत ही बुरा क्वालिटी की सड़कें निकाला और क्या है नालियां नहीं बनी है, ड्रेनेज ना होने की वजह से पानी इकट्ठा पड़ा, सड़क इस तरह की बारिश राजस्थान बहुत समय बाद में, इसको आगे भी हो सकती है, इसको देख अब जो हम काम करेंगे तो क्वालिटी करें और ड्रेनेज के साथ ही बनाए, चाहे कम बनाए लेकिन ड्रेनेज भी बनाए।